सो हेलो गाइज, अभी मैं जा रही हूँ साइट विजिट पे, ऑफिस के काम से जा रही हूँ मैं गुड़गांव। और देखिए गाइज, मैं जब मेट्रो में चढ़ी ना, यहाँ पे इतनी भीड़ हो रखी है ना, मतलब खड़े होने की भी जगह नहीं हो पाती है कभी कभी। तो अभी हम कॉर्नर पे आ गए हैं गर्ल्स वाले कोच में। और देखिए वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना, लड़कियाँ जो इस साइड रहती हैं वो हम लोग बैठ जाते हैं जब जगह होती है जाती। पर मेरा भी यही हाल हो रहा था, बिल्कुल भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, पैरों में दर्द हो रहा था। तो मैं भी बैठ गई थी नीचे, मैंने सोचा क्यों ना नीचे बैठ जाते हैं, और यहाँ पे खाली खाली भी था, तो गर्ल्स कोच में ऐसा कोई देखता नहीं है, तो बैठ जाती है नीचे लड़कियाँ। और गाइस यहाँ पे इतनी भीड़ थी ना भाई, गॉड, मतलब क्या ही बोलूँ मैं, इतनी भीड़ हो जाती है ना जब लोग मेट्रो में जगह नहीं होती है ना, तो मतलब एक जगह पे खड़े हो जाओ मेट्रो के गेट के सामने, वहाँ पे लोग अंदर खुद ही धक्का दे के अंदर कर देते हैं, तो मतलब चढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। देखिए इतनी भीड़ हो रही है, बहुत ज़्यादा, मतलब लाखों करोड़ों लोग भाई साहब मेट्रो में सफ़र कर रहे हैं। मुझे तो लग रहा है सबसे ज़्यादा प्रॉफिट में मेट्रो ही है, दिल्ली मेट्रो ही है। और देखिए यहाँ पे हम लोग आ गए हैं फिर दूसरे मेट्रो में चढ़ के चेंज करके। और यहाँ पे मैंने देखा कि मैं एकदम से नज़र गई उत्तराखंड का जो पोस्टर लगा हुआ है ना, घर से दूर एक घर करके। तो गाइस देखिए यहाँ पे लड़कियों की उसमें भी इतनी भीड़ हो रही है। फिर हम लोग पहुँच गए थे बहुत ही लग्जीरियस अपार्टमेंट बोल सकते हैं, वहाँ हमारा एक साइड विजिट था, तो वहाँ लोग हम लोग चले गए थे। वहाँ का व्यू ना, टेरेस में गए थे हम लोग, इतना सुंदर व्यू लग रहा था ना। ये है गोल्फ कोर्स एरिया जो कि सबसे महंगी लग्जीरियस अपार्टमेंट यहाँ पर। और गाइस देखिए मैं फुदकता हुआ एक डॉग भी दिख गया था, मैंने इसको जूम करके ना इसका वीडियो बना लिया था, बहुत ही क्यूट लग रहा था। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और फिर देखिए गाइस, मतलब होते हो दिन कब गया पता भी नहीं चलता है हम लोगों को, इतनी हालत खराब हो जाती है। फिर हम लोग मेट्रो में आ गए और देखिए यहाँ पे मौसम कितना प्यारा हो रखा है, मतलब दो तीन दिनों से ना मौसम काफी अच्छा हो रखा है, बारिश के बाद यहाँ पे बारिश हुई थी, बहुत तेज बारिश हुई थी। और देखिए गाइस, और मुझे लगा था कि सिर्फ मैं ही घोड़े बेच के सोती हूँ मेट्रो में, बट ये जो बंदा सामने बैठा था ना, मेरा मन तो नहीं था इसका वीडियो लेने का, बट ये भी बंदा ऐसे पैर फैला के ऐसे सो रखा हुआ था। जैसे हम लोग थके रहते हैं ना, तो मेरे को ऐसा लगता है कि मेट्रो में जो भी आता है ना, वो हर कोई सीट चाहता है कि हाँ उसको जगह मिल जाए बैठने को, थोड़ा पैर उसके भी रिलैक्स करे। तो देखिए हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, और ये देखिए फोन में लगे हुए हैं मेरे ऑफिस के, हमारे सारे साथ तीनों हम लोग साथ में ही जाते हैं। और मेरे को क्या करूँ, हो रही थी ये लोग फ़ोन में लगे थे, मैं अपने बर्ड्स भूल गई थी तो मैं गाना भी नहीं सुन सकती थी, और इसीलिए मैं इन लोगों के भी वीडियो बनाने लग गई थी, मेरा कुछ तो टाइम पास हो। और फिर जब मैं पहुँच गई थी मेट्रो, मेरे जहाँ पे मेरा नियरेस्ट मेट्रो है रूम के, तो वहाँ पे देखी मौसम कितना प्यारा है, अंधेरा हो चुका था ऑलमोस्ट, क्योंकि लेट हो जाता है हमें आते आते, देखिए कितना अंधेरा हो गया है। और ये व्यू ना बहुत सुंदर लग रहा था, काफ़ी लोग उसकी वीडियो बना रहे थे, मैंने कहा नहीं कि और कुछ मैं ना बनाऊंगी, ऐसा हो ही नहीं सकता है, तो मैंने भी फिर आपसे वीडियो बना लिया। तो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में।